ओड टू डेथ बाय दाऊद कमाल। दाऊद कमाल जो है वो पाकिस्तानी पोइट है, एकेडमिक फ्रॉम पेशावर सिटी। दाऊद कमाल वाज बॉर्न जनवरी 4 1935 इन अहमदाबाद, ठीक है, पेशावर के राइटर हैं और ये प्रोफेसर रहे हैं इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। He wrote some poems in English. His poems are recorded for the literature at university. Literature were recorded for the Library of Congress in the United States. और बहुत सारी there are number of translation he did. इन्होंने गालिब को ट्रांसलेट किया है, 3 गोल्ड मेडल्स मिले हैं फिंटन कॉलेज में, एंड देर आर नंबर ऑफ अचीवमेंट्स यहाँ पे वो सब लिखी हुई। आप बायोग्राफी के थ्रू चले जाइएगा तो वी आर नॉट डीलिंग मच विद इट। कमिंग टू द पोएम ओड टू डेथ की मेन थीम की बात करें तो ही इज जनरली कंसर्न विद द मोर्टेलिटी ऑफ द लाइफ, कि जिंदगी कितनी ट्रांजिटरी है और लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। बट क्वाइट पैराडॉक्सिकली ही हैज़ ट्रीटेड दिस वेरी कॉन्सेप्ट। वो कहता है बींग इंडिविजुअल जो है वो आप क्या हैं, बहुत ट्रांजिटरी हैं, बहुत ही क्या कह सकते हैं टेम्परेरी हैं, और सिर्फ ह्यूमन नहीं दुनिया की हर चीज़। बहुत अच्छा मेटाफर दिया इन्होंने एक मैच स्टिक का और एक पाइन ट्री का। वो कहते हैं चाहे एक मैच स्टिक हो चाहे एक पाइन ट्री हो, दोनों ही जो है वो एक सेम किस्म के एंड से मिलती हैं। क्यों? क्योंकि देर इज़ डिस्ट्रक्शन और डेथ फॉर बोथ ऑफ द थिंग। तो वेदर यू आर वेरी स्मॉल और यू आर टू मैग्नानिमस टू आर टू स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू मीट योर एंड। आपने कभी ना कभी अपनी इख्तिताम तक पहुँच जाना। लेकिन पैराडॉक्सिकली मैंने इसलिए कहा कि वही ये बात भी करते हैं, एज अ जनरेशन यू कीप ऑन मूविंग, एज एन इंडिविजुअल आप मर जाते हैं लेकिन एक कंटिन्यूम में जो आपकी लेगेसी है वो चलती रहती है, ह्यूमन काइंड ख़त्म नहीं होती। ठीक है, चलें हम देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये बड़ा एक पैराडॉक्सिकल किस्म का डेथ का फीचर है। योर ओड टू डेथ इज इन द लिफ्टिंग ऑफ अ सिंगल आईब्रो, लिफ्ट इट एंड सी। आगे ये ना ब्रैकेट में नाम दे रहे हैं कौन, इन्होंने एक नाम दिया राइटर का कॉनरेड एकिन। तो बेसिकली ये लाइन कॉनरेड एकिन की है, उन्होंने अपनी पोएम में लिखी है एंड ही इज़ जस्ट कोटिंग इट, ये इसको कोट करें। अब कॉनरेड एकिन क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं वेयर इज़ डेथ, डेथ इज इन द लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो। आप मतलब पलक झपकने में या यू जस्ट लिफ्ट एन आईब्रो यू सी इट, आप उसको देख लेते हैं। डेथ इज़ सो नियर टू यू, बहुत ही करीब है आपके, हमेशा हमेशा है वाक्य। तो कैसे कुछ नहीं पता किसी का कब उसमें मर जाना है, ठीक है। डेथ इज़ मोर देन सर्टन, दुनिया में अगर कोई सर्टेनिटी है तो वो सिर्फ डेथ ही की, इवन लाइफ की भी कोई सर्टेनिटी नहीं, ठीक है। डेथ इज़ मोर देन सर्टन, ये किसकी कहा है, सेज ई कमिंग, ये ई कम कहते हैं। बट द क्लॉक्स गो ऑन टिकिंग एज बिफोर, यहाँ पे वो बात कह रहे हैं जो मैंने कही थी कि अगरचा जिंदगियाँ ख़त्म होती रहती हैं, डेथ इज़ सो इमिनेंट अ फिनोमेना दैट यू कैन नॉट अवॉइड इट, आप इसको मतलब अवॉइड कर ही नहीं सकते। और आप चाहे आज मर जाएं, चाहे आप कल मर जाएं, चाहे आप 100 साल बाद मर जाएं, आपने मर ही जाना है। बट योर डेथ विल नॉट क्रिएट एनी वॉइड इन द ग्रेटर स्कीम ऑफ नेचर, एक जो ग्रेटर स्कीम है नेचर की उसमें कोई खलल नहीं पड़ता। द क्लॉक बट द क्लॉक गो ऑन टिकिंग एज बिफोर एंड इन एवरी पार्टिकल ऑफ कार्बन डस्ट देयर लिव्स अ डायमंड ड्रीम। बहुत प्यारी लाइन्स है, वो कहता है जिंदगी नहीं रुकती, जिंदगी क्या है चलती चली जाती, क्लॉक नहीं रुकती, ये कंटिन्यूम में चलती चली जाती है। लोग आते हैं, दे गिव देयर इनपुट, दे डाई, देन देयर आर नंबर ऑफ अदर पीपल्स विच रिप्लेस देम, दे रिप्लेस देम। तो अगर किसी को लगता है कि वो दुनिया में इतना इंपॉर्टेंट है या किसी की ज़िंदगी में इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बगैर शायद दुनिया ही रुक जाएगी, तो दैट इज़ जस्ट अ मिथ, ये उसकी खुशफहमी है और कुछ भी, ठीक है। फिर वो कहते हैं इन एवरी पार्टिकल ऑफ कार्बन डस्ट, नाउ हियर द इमेजरी इज़ टेकन फ्रॉम में से फ्रॉम द डिफरेंट इन्वायरमेंट और केमिकल एलिमेंट। नाउ व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन कार्बन एंड डायमंड, कार्बन और डायमंड में एक सिमिलैरिटी है क्या है? बेसिकली दीज आर द सेम थिंग्स, हाँ,
हाँ बिल्कुल, एलोमॉर्फिक फॉर्म है। एलोमॉर्फिक फॉर्म क्या होती है? जिसका आप कह लें फॉर्मूला सेम होता है, एलिमेंट दोनों ये कार्बन ही हैं, ठीक है, देयर इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट कार्बन इन डायमंड एज वेल एज इन कोल, बट जो इसका फॉर्म है, जो इसका स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर, वो डिफरेंट होता है कार्बन में और डायमंड में। यही कार्बन है जब करोड़ों साल बहुत प्रेशर और हीट में रहता है तो इसकी एलोमॉर्फ बन जाता है, इसकी जो फॉर्म होती है, फिजिकल फॉर्म जो होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है, तो उससे वो डायमंड बन जाता है। इन इट्स कोर इट इज़ जस्ट अ कार्ब, ठीक है, समझ आ रही? तो वो कह रहा है वेदर यू आर टू ट्रिवियल, आप कितने ही ट्रिवियल हो, कितने ही अनइम्पॉर्टेंट, यू आर जस्ट अ कार्बन डस्ट, बट इन एवरी कार्बन डस्ट देयर लाइज द ड्रीम्स ऑफ डायमंड। हर शख्स के पास, हर कार्बन के पास क्या है? एक ड्रीम है बिकम अ डायमंड, एंड टू फुलफिल दैट ड्रीम यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ हार्डशिप्स, फिर आपको हार्डशिप से गुजरना। फिर वो कहता है हाउ मैनी गैलेक्सीज येट टू बी एक्सप्लोर, दुनिया इतनी वसी है, कायनात इतनी वसी है, देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज, इतने इम्कान हैं। वो कहते हैं अभी बहुत सी गैलेक्सीज हैं जो अभी क्या करनी है आपने, मज़ीद एक्सप्लोर करनी है, यानी कि ज़िंदगी जो है वो इतनी हमजहत है और उसमें इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, तो अभी तो इंसानियत ने कुछ भी एक्सप्लोर। हाउ मैनी सीड्स इन द फोम ग्रेनेट ऑफ टाइम, फोम ग्रेनेट किसे कहते हैं? अब अनार में कितने दाने होते हैं एक अनार में, ठीक है, तो वो कहते हैं इन द फोम ग्रेनेट ऑफ टाइम, वक्त के अनार, कहने के मतलब वक्त के हाथ में आपके लिए देर आर सो मैनी सीड्स, सीड्स मतलब सीड्स येट टू बी सोन, सीड्स येट टू बी कल्टिवेटेड, येट टू बी रीप्ड, येट टू बी हार्वेस्टेड, देर आर सो मैनी थिंग्स विच आर स्टिल टू कम। इंसानियत को लगता है कि शायद उसने एक बहुत बड़ा अरसा जो है वो तय कर लिया, बहुत बड़ा वक्त या ड्यूरेशन जो है वो पास ऑन कर लिया, एंड वी आर एट द वर्ज और एट द पीक ऑफ सिविलाइजेशन, एंड वी हैव डेवलप्ड सो मैनी थिंग्स, वी हैव develop science, technology, and we are actually creating marvelous things. But the writer is saying that it is nothing. There are yet to be explored. अभी तो पता नहीं क्या कुछ explore करने के लिए. The pine tree, यहाँ से देखें ये दो लाइन shift off, हमें thought नज़र आई. यहाँ पर पहली दो lines में death की बात थी, जहाँ हम लोग life की transitoryness की बात कर रहे थे. उसके बाद जो एक दो तीन चार lines मिली है उसमें हमें होपफुलनेस नज़र आ रही है, पैराडॉक्सिकल ट्रीटमेंट नज़र आ रहा है डेथ का। हम एक जगह राइटर को देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा पैसिमिस्टिक है कि हर चीज़ जो है वो चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी शानदार हो, उसका ख़त्म हो जाना होता है। फिर वो चार लाइनों में बता रहा है कि मौत जो है वो बहुत सर्टन ज़रूर है, लेकिन अभी तो पता नहीं क्या क्या कुछ करना है दुनिया में, लेकिन अगेन वो फिर किस पर आ गया, ये सब कुछ करने के बाद भी लेट्स से यू हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द गैलेक्सी एंड यू हैव become so developed that no further development is possible. You have achieved the height of knowledge and all the technology and science and whatever you could achieve, you have achieved. Then what? And the same way, वो कहते हैं the pine tree blasted by the last year's thunderbolt. वो कहते हैं वो pine का दरख्त, pine किसे कहते हैं? चलो होजे के दरख्त होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट काइंड ऑफ ट्रीज, ठीक है, लेंथीएस्ट वन, 100 मीटर्स भी कहते हैं कि ये लंबे होते हैं। वो कहते हैं कि पाइन ट्रीज जो है, वो पाइन ट्री जो इतना लंबा था, ठीक है, वो लास्ट ईयर किससे जल गया? थंडरबोल्ट से, यानी कि उसके ऊपर क्या गई? बिजली, और वो जल के क्या हुआ? ख़त्म हो गया, राख हो गया, इट इज़ फिनिश्ड। तो दो इट वॉज वेरी लार्ज, दो इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, दो इट वॉज वेरी मैग्निफिसेंट, बट इवन दैट व्हाट हैपेंड? नथिंग, इट टर्न्ड इनटू एशेस, वो ख़त्म हो गया। अब इसके कंट्रास्ट में या इसी कंपैरिजन में जो नेक्स्ट इमेज ये बना रहे हैं, दैट इज मैग्निफिसेंट एंड द बर्न आउट मैच स्टिक इन माई एश ट्रे लुक सो टेरेबली अलाइव। वो कहते हैं वो पाइन ट्री जो पिछले साल थंडर बोल्ट में चल गया, और वो मैच स्टिक जो इस वक्त मेरी ऐश ट्रे में पड़ी है, दे सीम सो अलाइव। दोनों क्या हैं? क्यों? बिकॉज दे मेट द सेम फेट, दोनों जो हैं वो एक जैसे, मतलब दोनों ही डेथ का जो है वो शिकार हो, एक सिर्फ हल्की सी ट्विचिंग से, द अदर वॉज स्ट्रक बाय द थंडर बोल्ट।
बट नो मैटर हाउ स्ट्रांग यू वर यू डाइड इन द एंड, नो मैटर हाउ वीक यू आर नाउ यू विल बी एंडेड। आपको लगता है ये वाकई सिमिलर है? कैसे? अच्छा और शावर, कोई समझता है कि इनमें सिमिलैरिटी नहीं है? टू बर्न अ पाइन ट्री अ थंडर बोल्ट वॉज नीडेड व्हाइल अ मैच स्टिक वॉज गॉन जस्ट बाय अ ट्विच। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड अ वीक। वीक मैन सकम टू लिटिल प्रेशर, अ स्ट्रॉन्ग मैन बट अल्टीमेटली दे सकम अकॉर्डिंग टू द राइटर। ठीक है, ये राइटर कह रहे हैं कि एंड सेम है, बहरहाल मैं इससे सहमत नहीं करती। चलें हम इस पर बाद में बात करेंगे, जब हम ये पोएम कंप्लीट कर लेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह डेथ जो होती है वो एक जैसी नहीं होती फॉर ऑल द पीपल। कुछ लोग डरते हैं लेकिन बिल्कुल, डेथ इज सर्टन, इसको तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो व्हाई डू वी पेसिमिस्ट? फिर आपने इमोर्टल कैसे होना? वो पाइन ट्री जो पिछले साल थंडर बोल्ट से जल के मरा है, उसने पता नहीं कितने ही परिंदों को घर दे रखा हो, उसकी लकड़ी पता नहीं कितना ही लोगों के काम आए, उसने शायद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी बहुत भगाया होगा, उसने शायद सेम ऑफ और को भी कम किया होगा। ये गेव हिज इनपुट, उसने बहुत इनपुट दिया, ज़्यादा इनपुट दिया, मैच स्टिक में शायद कम इनपुट दिया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जब आप स्ट्रांग हैं, जब आप इनपुट देते हैं तो आपकी डेथ मैटर नहीं करती, आप मर जाते हैं लेकिन आपका इनपुट जो है वो चलता रहता है। छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं, दुनिया में अब तक कितने लोग आए होंगे? खरबों। ठीक है, कुछ उनमें से 98-99% हम जैसे लोग थे, आए खाए पिए शादियाँ की बच्चे पैदा किए और मर गए, ऐसे ही ना, तभी तो चलती जा रही है ना ये दुनिया, क्योंकि हम पैदा कर करके खुद मर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग थे जो पूरी ह्यूमन काइंड को गारों से निकाल कर आज इस जगह ले आए, आप ले सकती हैं उनका नाम भी, बट दे आर अ नंबर ऑफ अदर ग्रेट वर्ल्ड। ठीक है, ये लोग भी जिन्होंने एटलीस्ट इस छोटे कुत्ते को इफेक्ट किया, तो उन लोगों की डेथ और एक आम मैच स्टिक की डेथ, पाइन ट्री की डेथ में और मैच स्टिक की डेथ में फ़र्क है। पाइन ट्री को मारने के लिए भी थंडर बोल्ट चाहिए, और थंडर बोल्ट क्रिएट करना भी मजाक नहीं, समझ आ रही है? चलें नेक्स्ट। बहरहाल यहाँ दाऊद कमाल बहुत पेसिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस उम्र में पेसिमिस्टिक हो जाएं। ठीक है, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक। दिल्ली हनूस दूर है, अभी डेथ की बातें ना करें, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो वो okay? कितना अच्छा है वो, किसने गाई है? मलका पुखराज ने गाई है या पता नहीं मुंदी करने, अभी तो मैं जवान हूँ, सुनिए सुनाए कोई, अभी तो नहीं, हवा खुशगवार है, गुलों पे भी बहार है। ठीक है, तो अभी डेथ वेथ की बातें ना करें आप लोग। चले, लुक सो टेरिबली अलाइक, आई हैव सेट बाय योर बिसाइड एंड फेल्ट योर सिंगिंग पल्स। शिफ्टिंग ऑफ इमेजरी देखे ना कैसी तेजी के साथ, अभी नेचुरल इमेजरी चल रही थी, अभी अपनी सब्जेक्टिव इमेजरी पे आ गया, अभी एक इमेज बना रहा है एक ऐसे बिलावट का जो खड़ा है किसके पास, बैठा है अपने बिलावट के पास, एंड हिज बिलावट पल्स इज सिंकिंग, शी इज डाइंग। ठीक है, वो कह रहा है लुक आई हैव सेट बाय योर बेड साइड एंड फेल्ट योर सिंकिंग पल्स, आर द हेयर एंड बोन्स रियली इंडेस्ट्रक्टिबल। वो कह रहा है कि ये जो बाल हैं और ये जो तुम्हारी बोन्स हैं, द बॉडी यू हैव विच इज़ अडोर्ड टू मच,
विल इट बी डिस्ट्रॉयड, क्या ये बाल और ये हड्डियाँ भी क्या डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब वाई ही हैज़ टेकन द हेयर एंड बोन्स ओनली, इसने सिर्फ हेयर और बोन्स को मैंशन किया, क्योंकि हेयर्स एंड बोन्स आर द लास्ट पार्ट टू बी डिस्ट्रॉयड, इनको बहुत अर्सा लग जाता है, मतलब कई सर्टेन टाइम्स सैकड़ों साल। कैल्शियम होती है रिजिड और बालों में आपके क्रेटिनिन होता है, तो ये जो है ये बहुत देर में डिके होते हैं, फ्लैश वगैरह आपका डिके हो जाता है बहुत जल्दी के साथ जब आप मर के जो है कब्र में चले जाओ। तो वो कहते हैं क्या वाकई ये इमोर्टल हैं, क्या ये भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द आईज, कितनी देर लगेगी इन आँखों को मिट्टी में मिलने के लिए, टू डिजॉल्व इन द ग्रेव, और ये क्या हो जाएंगी ग्रेव में ख़त्म। दोज आईज विच आर सो मच चेरिश्ड बाय मी, बिलवड है ना उसका, वो कहते हैं ये वो आँखें हैं, मतलब आप इसकी फील को समझते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। वो जून एलिया कहते हैं ना कि कितना क्या है वो शेर, क्या मुझे याद नहीं आते शेर, उसकी पहली लाइन ऐसी है कितना दिलकश है तू, कितना पत्नी सी तरह करे के कितना दिलकश हूँ मैं, लास्ट लाइन ऐसी है क्या खबर है क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, आती है इसको, इसकी पहली लाइन आती है किसी को? हाँ जी सुनाएं शाबाश ज़रा ज़ोर से, कितने दिलकश हो तुम कितना दिल जो हूँ मैं क्या सितम है कि हम लोग मर जाएं। तो बहरहाल आप कितने भी दिलकश हो, आपकी आँखों पे पता नहीं कितने भी दीवान लिखे हों किसी ने, ठीक है, बट यू विल अल्टीमेटली डाई एंड दीज आईज विल बी डिजॉल्व इन। तो फिर ह्यूमन ब्यूटी की, फिजिकल ब्यूटी की क्या वैल्यू है, कोई है? आप क्या समझते हैं लोग खूबसूरती पे ही तो मर जाते हैं? क्या खूबसूरती अहमियत नहीं रखती? कितनी नहीं, हमारे पास एक जैसा होता है, चिट्टा रंग हो, लंबे लंबे बाल हो, सुराहीदार गर्दन हो, ये बड़ी बड़ी गजालों जैसी आंखें हों, ऐसे नहीं है, और वो क्या घटाओं जैसे नागनों जैसे बाल, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा बहरहाल आप कितने भी दिलकश हो, यू विल हैव टू डाई, आप मर जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। टू स्ट्रीम्स मिंगल इन अ फॉरगॉटन रिवर बिटवीन द आई एंड द टियर, देयर इज एन आर्चिपेलागो ऑफ नेकेड रॉक्स, ओनली स्लीप एंड साइलेंस देयर। ये इमेज बना रहा है जब इसकी बीवी या बिलवड, सॉरी बीवी नहीं कहती, हो सकता है कोई बिलवड हो, तो तो वो मर के ग्रेव में है और वो क्या कह रहा है, डज इट टेक फॉर, अच्छा टू स्ट्रीम मिंगल इन अ फॉरगॉटन रिवर बिटवीन द आईज एंड द टियर, वो कहता है आँखों में, आँखों और आंसुओं के दरमियान देर इज एन आर्चिपेलागो ऑफ रॉक्स, दिस आर्चिपेलागो ऑफ रॉक्स बेसिकली रेफर्स टू द ग्रेव, यहाँ ग्रेव के बाहर ये बैठ गए, आंसू बहा रहा है उन आँखों के लिए जो डिजॉल्व हो रही हैं ग्रेव के अंदर, ठीक है। वो कह रहा है टू स्ट्रॉन्ग मिंगल, टू स्ट्रीम मिंगल इन अ फॉरगॉटन रिवर बिटवीन द आई एंड द टियर, देर इज द आर्चिपेलागो ऑफ नेकेड रॉक्स, ओनली स्लीप एंड साइलेंस देयर, वहाँ पे क्या है, एन अटर्नल स्लीप एंड एन अटर्नल साइलेंस, नो मैटर हाउ यू वेल्स, नो मैटर हाउ यू क्राई आउट, नो मैटर हाउ यू कॉल आउट, नोबडी इज गोइंग टू आंसर, देर इज एन अटर्नल साइलेंस, नो एंकरेज फॉर ग्रीव, कितना ही शिद्दत का दुख हो वो इस आर्चिपेलागो के अंदर एंकर नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता आपके बिलवड को जो साइलेंस में और स्लीप में मौजूद है, दैट देयर इज समवन हु इज़ डाइंग फॉर यू एट दैट मोमेंट, ठीक है, वो एंकर नहीं कर पाता, इट इज़ नॉट गोइंग थ्रू। आई टू हैव वंडर्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ सिंबल एंड क्लच्ड एट द हॉलर्स ऑफ मेमोरी, बोलता है मैं जो हूँ मैं सिंबल्स के जंगल में भटकता फिर रहा हूँ, कहने का मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है कि जो इवेंट्स होते हैं उनकी क्या सिंबॉलिक मीनिंग है, डेथ के क्या मायने हैं, ज़िंदगी क्या है, मैं इन तमाम फलसफाना क्वेश्चन में भटक रहा हूँ
और कहता है इन क्लश टू द हार्लट्स ऑफ मेमोरी, और मैं मेरे लिए एक रिजॉर्ट ये है कि मैं अपने आप को फ्लोटिंग से, कि अपने आप को फ्रेगमेंटेशन से बचा लूँ, कि मैं अपने आप को चिपका के रखता हूँ। मेरा सेंटर क्या है, मैं मेमोरीज, ठीक है, माई मेमोरीज ऑफ माई बिलवड, आई हैव सीन द स्टार्स प्लमट टू देयर डार्क एड्रेस। वो कहते हैं मैंने देखे वो स्टार जो अपने डार्क एड्रेस मतलब दे आर नो वेयर टू बी फाउंड, आपको पता ही नहीं है वो किधर हैं। अब वो स्टार्स भी हो सकते हैं, देर आर सो मेनी स्टार्स विच यू कैन नॉट लोकेट, दे आर देयर यस, बट यू कैन नॉट सी दैम, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस दैम, देयर एड्रेसेस आर डार्क। बट फिर वो दूसरी बात कहता है आई हैव फेल्ट योर एब्सेंस अराउंड माई नेक, अब आई कैन फील योर एब्सेंस अराउंड माई नेक। ये भी बेसिकली वही डार्क स्टार हैं जिनका वर्ड्स जो है वो राइटर को नहीं पता, ठीक। बट लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, आखिर में आकर थोड़ी अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। बड़ा फ्रेगमेंट्री है पूरा स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं बड़ा शिफ्ट ऑफ थॉट एंड शिफ्ट ऑफ इमेजरी नज़र आती है। एंड में कह रहे हैं बट लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, हु वॉज द डिसीवर एंड हु द डिसीव्ड, वॉज आई ऑन अ फ्लोटिंग आइलैंड और वर यू ऑन द शोर, विच वन ऑफ अस मूव्ड अवे। वो बोलता है जो गुजर गया उसको गुजर जाने, वो कहते जाने वाली चीज़ का हम क्या करें। बोलता है अब इस बहस का क्या फ़ायदा कि तुम हम में से धोखा देने वाला कौन था और धोखा खाने वाला कौन था, क्या मौत ने तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया या ज़िंदगी जो है वो मुझे तुम्हारे करीब आने नहीं देती। हु इज़ ऑन द आइलैंड, कुछ नहीं पता हम में से कौन स्टेटिक है या कौन फ्लोटिंग आइलैंड पे मूव करे। आप देखें अगर आप एक फ्लोटिंग आइलैंड पे हैं, किसी भी फ्लोटिंग चीज़ पर हैं और एक बंदा शोर पर है, तो यू आर गोइंग टू ड्रिफ्ट अवे, आप दोनों ने क्या करना है, ड्रिफ्ट करना है, ठीक है। अच्छा ये जो शोर का यहाँ पे सिंबल है, ये शोर ऑफ इटर्निटी भी हो सकता है। अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी देखें तो हम देखते हैं कि जब लोग मर जाते हैं तो उनकी रूहें जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है अंडरवर्ल्ड थ्रू द शोर ऑफ इटर्निटी, ठीक है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता वेदर आई वॉज ऑन द आइलैंड और यू वर ऑन द शोर, वेदर यू डिसीव मी और आई डिसीव यू, बट द अल्टीमेट रिजल्ट वॉज वी आर सेपरेट, हम लोग क्या हैं, सेपरेट हो चुके हैं। ये वही पैसेज जो हमें शुरू में नज़र आई थी जब ये कहता है कि पाइन ट्री और मैचस्टिक की जो फेट है वो बिल्कुल एक जैसी है। वर यू ऑन द शोर, विच वन ऑफ अस मूव्ड अवे, मैं कुछ नहीं कह सकता हम में से कौन जो है वो दूसरे से दूर चला गया है, बट सिर्फ बात क्या है जो मैटर करती है वो ये कि वी आर मोर टुगेदर। अब मुझे बताएं आप, बिलवड को खो देना ज़्यादा दुख की बात है या मोहब्बत एक्सपीरियंस ही ना करना ज़्यादा दुख। एक भरपूर लाइफ गुजार दें अपने बिलवड के साथ और उसके बाद अगर आप यू ड्रिफ्ट पार्ट, तो आई थिंक दिस इज अ वर्दी लाइफ, फिर उस ड्रिफ्टिंग के कोई मायने नहीं रहते। जैसे ये कहते हैं ना आई क्लंग टू द हार्लट्स ऑफ मेमोरीज, तो वो जो मेमोरीज हैं ये बड़ा ट्रेजर है आपके लिए, और उम्मीद की जाती है कि कुछ देर बाद आप भी मर जाएंगे तो वो पुनर्जन्म 7 जन्म तक साथ रहिएगा आप। तो दिस इज व्हाट द कमाल वाज।